के लिए उपस्थित हुए। कहते यहाँ पर युद्ध करने के लिए तो उपस्थित हुए हैं, फिर वो प्रश्न क्यों कर रहे हैं? बोले कि अकुरुबर ने संजय, फिर प्रश्न कर रहे हैं उन लोगों ने क्या किया था। बोले फिर ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं? जब इतना करने के बाद फिर युद्ध करने के लिए यहाँ पर आ गए, फिर ये प्रश्न क्यों, शंका प्रश्न क्यों हो रहे, क्यों अकुरुबर ने संजय? तो यहाँ पर ये धृतराष्ट्र सोच रहे हैं, बोले भैया जो जगह है ना धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये जो स्थान है ये धर्म क्षेत्र है। कहते अभी प्रभु जी बता रहे कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र मतलब यहाँ पर कुरु नाम का एक कोई राजा था, उन्होंने कितना यहाँ पर हजार यज्ञ उन्होंने किया था। यज्ञ करने का नहीं तो स्थान पवित्र स्थान, इसलिए कहते हैं ना स्थान का भी एक महत्व होता है, प्रतितत बसती स्थले। इसलिए जब कोई धाम होता है वहाँ पर पहुँचने पर अपने आप हृदय परिवर्तन हो जाता है, जैसे श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार जिस पिता माता को जब उन्हें ले जा रहे थे थोड़ी दूर ले करके, बोले ये बूढ़ा बूढ़ियों को सेवा करते करते जीवन हमारा बर्बाद हो गया, बेकार है, हम सेवा नहीं कर सकते, जाओ भागो यहाँ, हम सेवा नहीं कर सकते। इन्हीं बूढ़ा बूढ़ी की सेवा करते करते कंधे पर लेकर उसको पिता माता समझ गए लगता है कोई पांडव वर्जित स्थान है, यहाँ पर कोई लगता है कोई पवित्र स्थान नहीं, कोई गंदे स्थान पर आ गए है। इसलिए उसका हृदय में जो पिता माता के प्रति इतना सेवा करने वाले यहाँ आकर के इसका हृदय कैसे परिवर्तन हो गया, लगता है कुछ गड़बड़ी। तो उन्हें बोला बेटा कि यहाँ पर क्या है? बोले नदी। बोले इतना ही कर लो कि बोले नदी को पार करा के उस तरफ में मेरे को छोड़ दो, उसको पता है स्थान परिवर्तन हो जाएगा तो हृदय अपने आप शुद्ध हो जाएगा। जब उन्होंने परिवर्तन कर लिया ना, उसका हृदय अपने आप परिवर्तन हो गया, पिता माता को चरण में गिर पड़ा, मेरे अपराध हो गया आपको मैंने इतने उल्टा सीधा बोला। इसलिए यहाँ पर धृतराष्ट्र सोच रहे हैं वो स्थान तो धर्म क्षेत्र है ऐसे नहीं तो वहाँ जा करके, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज स्वाभाविक रूप में धर्मपरायण है, धर्मराज है, ऐसे नहीं युद्ध करने के लिए तो गए और वहाँ पर जा करके अगर उनका हृदय परिवर्तन हो गया तो फिर क्या होगा? हृदय अगर परिवर्तन हो जाएगा बोलेंगे भैया युद्ध करके क्या होगा, रक्त से हाँ रंजित राज्य को लेकर क्या होगा भैया, कोई जरूरत नहीं, जैसा अर्जुन बोल रहा था मतलब भीख मांग कर खा लेंगे, इसलिए भैया युद्ध बुद्ध की कोई जरूरत नहीं, मतलब भीख मांग कर खा लेंगे, ऐसे नहीं इनका हृदय तो परिवर्तन नहीं हो गया। इसलिए कि अकुरुबर्ण संजय, मतलब उनको ने क्या किया था है कि अकुरुबर्ण संजय। फिर धृतराष्ट्र सोच रहे अगर युद्ध नहीं हुआ ना फिर क्या होगा, लगता है ये पांडव जिंदगी भर के लिए ये दुर्योधन का कंटक बन करके रहे, क्योंकि वो सोच रहा है इनके जो पक्ष में 11 अखौनी सेना और उनके पक्ष में 7 अखौनी सेना और उनके पक्ष में स्वयं पितामह कौन है, भीष्म, वो इच्छा मृत्यु, जब तक इनके हाथ में धनुष रहेगा कोई मार नहीं सकते, फिर इनका जो गुरु है द्रोणाचार्य स्वयं, इनको मारने वाले दुनिया में कोई है नहीं, अकर्ण है जिसके पास में कवच, जिसके पास में कुंडल कवच, कहते ऐसे व्यक्ति अगर युद्ध होगा ना जरूर ये पांडव लोग मर जाएंगे तो हमारे जो बेटे को निष्कंटक राज्य तो पूरा के पूरा जीवन में मिलेगा, लेकिन अगर ये रह गए ना ये निष्कंटक राज्य नहीं होगा, लगता है जिंदगी भर ये कांटा चुपके रह जाएंगे। इसलिए वो कह रहे भैया की अकुरुबर्ण संजय, वहाँ पहुँच कर उन्होंने क्या किया था, क्योंकि ये स्थान धर्म क्षेत्र और ये स्थान कुरुक्षेत्र है धर्म स्वाभाविक रूप में। इसलिए ये स्थान प्रभु जी बता रहे थे ना यहाँ पर 84 क्रोश है ना, 84 क्रोश सारे पवित्र स्थान यहाँ पर सबके सब, और भगवान यहाँ पर गीता के उपदेश दिया, सरस्वती नदी में द्वारा पास में ही तो हो गई पास में बैठे तट में सारे ऋषि मुनि लोग बनाते हैं। इसलिए गीता का उपदेश है, हमारी हिंदू धर्म का मूल ग्रंथ गीता है, इसलिए मन मना भगवत। साधारण लोगों को पूछो ना बोलेंगे गीता का सर्वश्रेष्ठ श्लोक कौन है, सब लोग साधारण लोग बोलेंगे सर्वधर्मान एकम सर्व गुरुदेव कहते थे, लेकिन गुरुदेव कहते थे को लेकिन गीता का सर्वश्रेष्ठ श्लोक नहीं, इसलिए कहते सर्व गृहतम गृह श्रृण में परम बच हृष्ट में तत्व तत्व बक्षा में थे, इसलिए कहते अर्जुन की मेरे अत्यंत प्रिय तुम दोस्त हो, इसलिए गीता का गुह्यतम और ये श्लोक कौन है सर्व गुह्यतम, गोपनीय में भी सबसे जो गोपनीय श्लोक है मनमना भव मत भक्त भव, इसलिए गुरुदेव कहते ना मनमना भव। गुरुदेव क्या उदाहरण देते हैं,
ब्रज गोपियों की उदाहरण करते हैं, तन मन मनस का कृष्ण का उद्धव जो भेज रहे, मतलब गोपियों की जो महत्व बता रहे तन मन मनस का, इसलिए हाँ इसलिए कह रहे तो गोपियाँ जो है संपूर्ण जो अपना मन को संपूर्ण रूप में मेरे चरण में ये दियो है। इसलिए गुरुदेव किसका उदाहरण देते थे, जो ब्रज में जो गोपी नबिली जो शादी करके आई, कृष्ण जब बंसुरी बजा करके जब गोचारण करने के लिए जा रहे हैं, ये बोलते मैं भी चलूंगी, लेकिन सांस ननद क्या बोलती है, बोले खबरदार मत जाया करो, सांप अगर एक डांस देगा ना फिर जहर नहीं उतरेगा। लेकिन जब उसने सचमुच से दर्शन किए, कृष्ण को दर्शन किए, तो बस ठगी सी ठगी रह गई। कृष्ण अपना बंसुरी से कपल स्पर्श किया, मीठी मीठी हंसे, तेरी सी चित्तवन से देखे तो उसका मन प्राण चित्त कृष्ण को संपूर्ण उसको चोरी करके ले गए। इसलिए मनमना गुरुदेव उदाहरण देते हैं, मनमना ये जो श्लोक है ये गोपियों को लक्ष्य करता है। संपूर्ण अगर मत मना किस कौन है, कहते ये ब्रज की गोपियाँ हैं। इसलिए मत भक्त के लिए क्या उदाहरण देते हैं, बिल्लो मंगल को उदाहरण देते हैं। इसलिए माम जाजी माम नमस्कार, इसलिए सर्वश्रेष्ठ श्लोक यहीं पर कृष्ण बोले, इसलिए स्थान पवित्र स्थान है। चलो हम चले जाते हैं।